स्थानीय विवाह भवन 0 Mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है? ए हरमनप्रीत कौर, बी स्मृति मंधरा, सी मिताली राज या डी पूनम राउत। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। बीहपुर के भवन गमा में चल रहे अवैध आरा मिल जब्त करने गए अधिकारी और पुलिस पर पथराव। बड़ी संख्या में पुलिस बल को लेकर पहुंचे SDPO ने किया स्थिति नियंत्रित। बीहपुर के भवन गमा गांव में सोमवार को अवैध आरा मिल को जब्त करने गए वन विभाग और बीहपुर पुलिस पर स्थानीय लोगों ने जमकर पथराव किया। इस दौरान कई पदाधिकारी के साथ धक्का मुक्की भी की गई और 4 वाहनों से KCC भी उपद्रवियों ने तोड़ डाले। आरा मिल समर्थक के तेवर को देख कई पदाधिकारी और पुलिस कर्मी ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना में बीहपुर सर्किल इंस्पेक्टर अमर विश्वास के साथ चालक हवलदार राम नरेश पांडे और JCB चालक विपिन कुमार घायल हो गए हैं, जबकि कई पुलिस पदाधिकारी और वन कर्मी आंशिक रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही नौगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर नौगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मौके से ही एक आरा मिल संचालक अधिक लाल सिंह के पोते राजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बभनगामा के दोनों आरा मिल संचालक और उपद्रव करने वाले उनके समर्थक के विरुद्ध बीहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया देर शाम तक शुरू कर दी गई थी। जानकारी मिली है कि पिछले दिनों वैधानिक रूप से आरा मिल चलाने वाले एक संगठन ने नौगछिया वन विभाग के पदाधिकारी को सूचना दी थी कि अनुमंडल के करीब 18 आरा मिल अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। इसी शिकायत पर वन विभाग की टीम ने अवैध आरा मिल को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की थी। सोमवार सुबह वन विभाग के पदाधिकारी और कर्मियों के साथ बीहपुर पुलिस भवनगामा बाजार स्थित दोनों आरा मिल को जब्त करने पहुंचे। अमरपुर निवासी रमनी चौधरी के आरा मिल को पदाधिकारी और वन कर्मियों ने शांति पूर्वक जब्त भी कर लिया था। इसके बाद वन विभाग की टीम ने भवनगामा निवासी अधिक लाल सिंह के आरा की ओर रुख किया। स्थानीय लोगों ने सूचना देते हुए बताया कि अधिक लाल सिंह और उनके समर्थक को आरा मिल जब्त किए जाने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आरा मिल जब्त किए जाने के क्रम में आरा मिल संचालक के लिए बनाए गए खपड़ेल का एक अस्थायी मकान क्षतिग्रस्त होने लगा। अधिक लाल सिंह के परिजनों और उनके समर्थक ने इसी बात का विरोध किया। देखते ही देखते स्थिति तू तू मैं में बदल गई और आरा मिल के समर्थक आक्रोशित होकर पत्थरबाजी करने लगे। वहीं नौगछिया के DFO भरत टोलिया ने कहा कि आरा मिल जब्त करने के दौरान आरा मिल समर्थक ने पथराव किया, गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले, पदाधिकारी के साथ अवैध व्यवहार और धक्का मुक्की भी की है। घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। विभागीय स्तर से कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ मामले की प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। वहीं पूछे जाने पर नौगछिया के SDPO दिलीप कुमार ने कहा कि समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर चुकी है। पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि किन परिस्थिति में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई और किन लोगों ने गलती की है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। Thank you.
आज यहाँ किस लिए आए थे सर? यहाँ पे इलीगल आरएमएल्स चल रहे हैं बोल के इन्फॉर्मेशन मिला था, तो उसी को सीज करने, मशीन जो भी है वो सीज करने आए हैं। क्या क्या घटनाएं यहाँ घटी थी? पहले आए थे पुलिस फोर्स के साथ, हमारे जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं अमन जी वो भी थे, पर बाद में बीच में कुछ डिस्टरबेंस हुआ था, जो लोग आ गए थे सडनली, तो हमें जो है स्टाफ की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा पीछे जाना पड़ा, एंड एडिशनल फोर्स हमने बुलाया, एंड एसडीपीओ सर ने, जैसे आप देख रहे हैं दिलीप कुमार जी ने, काफ़ी मदद की और इन्होंने यहाँ पे आके सिचुएशन को स्टेबलाइज कर दिया। तो अभी बस काम चल रहा है, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। उस बीच में क्या क्या घटनाएं में क्या क्या हुई आपकी स्टाफ के साथ? स्टोन थ्रोइंग हुआ था, असॉल्ट हुआ था, डैमेज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी हुआ था। किसी को कोई खतरा पदाधिकारी को? स्टाफ को, बोथ पुलिस को भी एंड फॉरेस्ट स्टाफ को भी, दोनों को भी चोट लगा था। कभी कभी किसी किसी को सर पे भी चोट लग गया था, एंड जो जेसीबी चला रहे हैं अभी भी चला रहे हैं, वो गाल पे उनको पत्थर लग गया, अभी वो पट्टी बंद के। कुल कितने आदमी सर जख्मी हुए? 3-4 गाड़ी जख्मी, किसी से गाड़ी भी क्षति हुआ। क्या क्या जख्मी हुए? काफी लोग जख्मी हुए। ये जो आरा मिल था किनके किनके नाम पे है, कुछ आप सबको आईडिया? अभी के लिए हम इतना ही बोलना चाहेंगे, बाकी सब डिटेल्स हम बाद में आपको दे सकते हैं। आगे क्या कार्रवाई कीजिएगा? फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत और बिहार सॉमिल रेगुलेशन एक्ट के तहत, और जो भी हम FIR भी फाइल करेंगे पुलिस स्टेशन में, IPC के तहत एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, बोले कि यहाँ जो पब्लिक इस आरा पर पब्लिक का लकड़ी है, तो उसके लिए वो क्या प्रक्रिया करेंगे? पब्लिक की लकड़ी है तो वो हमें फॉर्म दिखाएं, आवेदन प्रदान कर सकते हैं। जैसे इस पे तो अभी तक कोई आवेदन नहीं हुआ है, जो जो भी, तो उसके लिए क्या उसका प्रक्रिया? जो भी लकड़ी है उसका कुछ ना कुछ आपके पास स्लिप रहता है, वो अगर प्रोड्यूस करेंगे तो लकड़ी आपकी। यदि नहीं कर पाए तो? नहीं कर पाए तो कहीं से फिर निकालना होगा, फिर लकड़ी कैसे होगा। शुक्रिया। यहाँ फॉरेस्ट विभाग की तरफ से कार्रवाई चल रही थी, इसमें पब्लिक एग्रेसिव हो गए और पुलिस के ऊपर में और फॉरेस्ट विभाग के ऑफिसर्स हैं और कर्मी हैं उनके ऊपर में हमला कर दिया, जिससे कुछ पुलिस वाले और कुछ फॉरेस्ट के लोग भी घायल हुए हैं और कुछ गाड़ियों का भी क्षति हुआ है। इसकी सूचना जब इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर हैं, सर्किल इंस्पेक्टर हैं और थानेदार हैं, इनके द्वारा मुझे दी गई, तो SP साहब के द्वारा मुझे एडिशनल फोर्स के साथ भेजा गया है। यहाँ आने के बाद में खैर पब्लिक तो शांत है और सारी कंडीशन को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये किस परिस्थिति में हुआ है और किनकी किनकी गलती है। नामजद कौन कौन हुए हैं अभी तक? अभी आवेदन अभी नहीं आया है, लेकिन कुछ लोगों का नाम आया है, जैसे FIR होने के बाद ही बता पाएंगे। तो पुलिस की जो कार्रवाई है और फॉरेस्ट विभाग से जो कार्रवाई है, दोनों चलता रहे। सर आप इस घटना, भागलपुर सरकार के निजीकरण के फैसले के खिलाफ बैंक कर्मियों ने किया हड़ताल। देश भर के सरकारी बैंकों में सोमवार और मंगलवार को हड़ताल का ऐलान किया गया है। दरअसल सरकारी बैंकों के निजीकरण के सरकार के फैसले के खिलाफ बैंक यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसको लेकर भागलपुर में बैंक कर्मियों ने हड़ताल किया, साथ ही बैंक कर्मियों और अधिकारी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैंक यूनियन के सदस्यों का कहना है कि सरकार अपना तानाशाही रवैया अपना रही है। हम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के सदस्य बीते कई दिनों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। इसको लेकर 2 दिवसीय हड़ताल की गई है। इस दौरान कोई भी सरकारी कार्य बैंकों में नहीं होंगे। बैंकों में 10 लाख ऑफिसर्स, अधिकारी, कर्मचारी लेकर के स्ट्राइक पे गए हैं। इसका कारण मोदी सरकार है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिसमें हुआ और बैंक ने अपना परफॉर्मेंस आर्थिक विकास में अद्भुत गति से दिया। 10,000 के पॉपुलेशन पे
आज बैंकिंग सेवा है, ये मोदी सरकार साजिश के तहत पीएसयू को बेचने के 115 पीएसयू हैं, जिसमें बैंकों को अभी बेचने की साजिश कर रहे हैं, जो देश के जनता के लिए अहितकारी है। बैंकों का शेयर घटा करके पूंजीवादी सरकार, पूंजीवाद लोगों को, जो प्राइवेट बैंक है उसको करने का कोशिश कर रहा है। जो पहले ही पीएसयू से एडवांस लेकर के हजम कर चुके हैं, पीएसयू का लोन लेकर के बैठे हुए हैं कुंडली मार के, उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए पुनः प्राइवेट करके बैंकों को उनका शेयर बेच करके पुनः बैंकों को प्राइवेट करना चाह रहा है। इससे पहले भी आप लोग प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन मांग नहीं मान रही है सरकार। ये सरकार को मानना होगा, ये प्रदर्शन अभी हमारा 2 दिन का है, आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता को उभारेंगे, जनता को फैक्ट बताएंगे कि ये सरकार क्या करने जा रही है। आप पीएसयू में गरीब जनता का अकाउंट है सर, गरीब जनता का पब्लिक का पैसा है जिसे ये बेचना चाह रहा है सरकार। जो बैंक कर्मचारी, बैंक अधिकारी कभी भी हरगिज नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी बलिदान देना पड़े। मेरा नाम मैं AIPNP का मेंबर हूँ, भागलपुर में ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। भागलपुर में रिक्शा चालकों ने सड़क किनारे अपनी अपनी गाड़ियों को खड़ी कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पुलिस प्रशासन के रवैये से नाराज ई रिक्शा चालकों ने उल्टा पुल के समीप, नौलखा के समीप, तिलका मांझी चौक व अन्य चौराहे पर प्रदर्शन किया। दरअसल ई रिक्शा चालकों का कहना है कि चौक चौराहे पर ई रिक्शा चालकों पर पुलिस द्वारा लाठियां चलाई जाती है, कभी गाड़ियों पर जबरन लाठियां चलाई जाती है तो कभी बेवजह मनमाने चालान काटे जाते हैं, जिसको लेकर सभी चालकों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे चालकों को पुलिस ने काफी समझाया लेकिन वे अपनी बात पर अड़े रहे। ई रिक्शा चालक संघ के सचिव ने कहा कि हमारी मांगे हैं कि सड़कों पर हम ई रिक्शा चालकों से बुरा व्यवहार नहीं किया जाए, चालकों को बेवजह परेशान नहीं किया जाए, अगर प्रशासन का रवैया ठीक नहीं रहा तो अगले सोमवार से धरना देने का काम करेंगे। व्यवहार करना, ये इसके फितरत में शामिल हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर ये टोटो वाले इंसान है या नहीं, ये इंसान की तरह व्यवहार क्यों नहीं करते इनके साथ। बोले बोले बोले, जितने भी हमारे टोटो वाले भाई हैं इनको गाली नहीं दिया जाए, ठीक, इनको इज्जत से देखा जाए। और जिस तरीके से सुनीति करते हैं ये पुलिस वाले, ये बिल्कुल खराब है। जो भी दिल करता है वही काम मैंने कर देते हैं। ये जैसे चालान काटना, जरूरत से ज्यादा चालान काट देना, कहीं पर भी जो कह रहे पुलिस वाला डंडा मार देना, कि जितने भी ड्राइवर हैं, जितने भी ड्राइवर हैं उनको जो कि इज्जत से बात किया जाए, ठीक है, और उनके लिए टोटो का कोई अस्थायी पड़ाव दिया जाए, ताकि वहाँ जा करके टोटो अच्छी तरीके से लगा सके, रोड पे नहीं लगा सके। पुलिस वाले का कहना है कि रोड पे जाता है टोटो, किस लिए पकड़ते हैं, जब उसका पड़ाव नहीं होगा तो फिर रोड पे नहीं लगेगा टोटो, तो कहाँ लगेगा टोटो, ठीक है, बिना पूछे बिना गच्चे ऐसे ही पकड़ लिया जाता है। और 2,000 रुपया 4,000 रुपया फाइन दो जी, 200 रुपया। ये शहर मेरा है, इस पे हम लोग राज करते हैं, यहाँ के पुलिस वाला सिर्फ हमारा जो कहते देख रेख करने के लिए, पैसा लेने के लिए नहीं है। आगे आपकी कार्रवाई क्या होगी? अगर हमें 1 दिन का टाइम दिया गया है, अगर 1 दिन का टाइम दिया गया है, अगर नहीं होगा 1 दिन के अंदर ये सुधार तो सोमवार के दिन हम लोग धरना देंगे।
परिचय बता दिया आपने। मैं अजर के लिए सचिव हूँ, ई रिक्शा चालक। नाम? अजर के लिए। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया नए जगह पर शिफ्ट हुआ सब्जी हाट, स्टेशन रोड हुआ खाली। नवगछिया एसडीओ और एसडीपीओ ने लिया जायजा। नवगछिया स्टेशन रोड में अवैध रूप से चल रहे सब्जी हाट रविवार को पूर्ण रूप से अपने नए जगह माल गोदाम चौक के पीछे शिफ्ट हो गया। अपने नए जगह पर शिफ्ट होने के साथ ही नवगछिया स्टेशन रोड पूरी तरह से खाली हो गया, जिससे करीब 20 वर्षों से नासूर हो चुकी जाम की समस्या से लोगों को अब मुक्ति मिल चुकी है। नवगछिया के एसडीओ अखिलेश कुमार और नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने नई जगह पर सब्जी हाट शिफ्ट होने के बाद खुद सब्जी हाट पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और सब्जी दुकानदारों से बातचीत भी की है। मौके पर सब्जी विक्रेताओं ने हाट में कुछ जगहों पर प्रकाश की व्यवस्था करने की मांग की है। विक्रेताओं की मांग पर जल्द ही पानी की भी व्यवस्था करने की बात एसडीओ ने कही है। हाट में कुछ जगहों पर मिट्टी का टीला दिखा, जिसे जल्द से जल्द समतल कराने का निर्देश एसडीओ ने नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव को दिया। दूसरी तरफ सब्जी मंडी में प्रवेश के लिए एक वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था जल्द ही करने की बात एसडीओ ने कही। पदाधिकारी ने सब्जी हाट हटा दिए जाने के बाद खाली हुए स्टेशन रोड का भी जायजा लिया। इस क्रम में बात सामने आई कि यह रोड काफी गंदा था और कुछ दुकानदार ऐसे थे जिन्होंने अपने दुकान के आगे सामानों को लगा रखा था। मौके पर ही नवगछिया एसडीओ अखिलेश कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द स्टेशन रोड की साफ सफाई करने की व्यवस्था की जाए और किसी भी सूरत में दुकानदार अपनी दुकान से बाहर सामानों को न लगाएं। अगर निर्धारित स्थल से बाहर सामानों को लगाया गया तो वैसे दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीओ ने मौके पर संबंधित लोगों को पौधारोपण करने और पार्किंग की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। नवगछिया क्रिकेट टूर्नामेंट में साहू पर्वत्ता हुआ विजयी। नवगछिया जगतपुर पंचायत के मध्य विद्यालय गरैया के मैदान में क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। उद्घाटन मैच साहू पर्वत्ता बनाम जगतपुर के बीच खेला गया। जगतपुर की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 135 रन बनाए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी साहू पर्वत्ता की टीम ने अपने 2 विकेट खोकर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार साहू पर्वत्ता टीम के शिवम कुमार को दिया गया। शिवम ने टीम की ओर से सर्वाधिक 12 गेंद में 51 रन बनाए। मैच का उद्घाटन जगतपुर पंचायत के प्रदीप यादव ने किया। वहीं मौके पर रिकेश, सोनू, चंदन शर्मा, दिलखुश, बिट्टू जायसवाल, रोहित शर्मा, बिट्टू शर्मा, चंदन, मनखुश, गुलशन सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया में अब बैनर फ्लैग्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैग्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। नवगछिया बस स्टैंड एवं सार्वजनिक शौचालय की खुली डाक से हुई बंदोबस्ती। नवगछिया नगर पंचायत में सोमवार को सैरत बंदोबस्ती को लेकर खुली डाक का आयोजन किया गया। खुली डाक में नवगछिया नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रीति कुमारी, उपाध्यक्ष अभिषेक रमन उर्फ टीएन यादव, अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, नवगछिया थानाध्यक्ष शैलेश कुमार सहित अन्य की मौजूदगी में डाक की प्रक्रिया हुई। डाक में शामिल हुए लोगों में पंकज कुमार यादव एवं अरविंद यादव ने नवगछिया बस स्टैंड का पर्चा भरा, जिसमें नवगछिया नगर पंचायत द्वारा 31,90,000 का डाक दिया गया, जिसमें पंकज यादव एवं अरविंद यादव में बोली को आगे बढ़ाया गया और पंकज यादव ने 31,95,500 रुपए से नवगछिया बस स्टैंड के डाक को अपने नाम कर लिया। वहीं नवगछिया शौचालय बंदोबस्ती 1,38,550 में बोली लगी, जिसमें शामिल हुए चंदन कुमार, अरविंद कुमार एवं संजय कुमार सुमन, इन तीनों ने डाक में बोली लगाई, जिसमें सबसे अधिक डाक की बोली अरविंद कुमार ने 1,40,600 रुपए की लगाई और नवगछिया शौचालय बंदोबस्ती को अपने नाम कर लिया। जबकि नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि मांगसार कृषि भूमि एवं होर्डिंग की बंदोबस्ती में किसी ने भाग नहीं लिया, जिसके कारण इसकी बंदोबस्ती नहीं हुई। नवगछिया 12 बजे दिन तक प्रखंड कृषि कार्यालय में लटका था ताला। नवगछिया प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रखंड कृषि कार्यालय में सोमवार को दोपहर 12 बजे दिन तक ताला लटका रहा। इस दौरान काम को लेकर कृषि कार्यालय आने वाले किसान और आम लोग ताला देखते ही बेरंग लौटते रहे।
जबकि कृषि कार्यालय के बाबत प्रखंड मुख्यालय में कोई भी यह बताने के लिए तैयार नहीं था कि कृषि कार्यालय कब खुलेगा और क्यों बंद है। 12:09 पर प्रखंड कृषि कार्यालय का एक कर्मी प्रखंड कृषि संबंधित दीपक कुमार मौके पर पहुंचे। दीपक कुमार ने बताया कि वे जमुनिया पंचायत में हर खेत पानी योजना का काम कर रहे थे, इसी कारण वे विलम्ब से कार्यालय पहुँचे हैं, लेकिन प्रखंड कृषि कार्यालय में लगे ताले की चाबी उनके पास भी नहीं थी। उन्हें यह भी पता नहीं था कि कृषि कार्यालय की चाबी किनके पास है। फिर 12:15 पर कृषि कार्यालय के लेखापाल चीकू कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने कृषि कार्यालय का ताला खोला। इसके बाद ही सुचारू रूप से कृषि कार्यालय संचालित हो सका। वहीं पूछे जाने पर नौगछिया प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रखंड कृषि प्रसार पदाधिकारी विजय कुमार इन दिनों छुट्टी पर चल रहे हैं। कार्यालय क्यों बंद था इस बात की जाँच की जाएगी। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA, पॉलिटेक्निक मिले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया, रंजीत मंडल बने जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष। बिहार जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के उत्तरी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय मालाकार ने 23 जिले के जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। इस बाबत मुख्य जिला प्रवक्ता रवि कुमार ने बताया कि रंजीत कुमार मंडल को संगठन के प्रति समर्पण और कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए नवगछिया संगठन के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। मौके पर जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, मीडिया जिला संयोजक प्रिंस पटेल, रूपक पटेल, नगर पंचायत अध्यक्ष ज्ञानशक सिंह, जिला महासचिव शिवशंकर चौधरी, विधायक प्रतिनिधि त्रिपुरारी कुमार भारती समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA, पॉलिटेक्निक मिले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513। नवगछिया में अब बैनर फ्लैग्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग, हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैग्स, हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया, स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।
वाणी विवाह भवन 0 mile NS 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन।